हाय फूडस्टर्स, मैडम फूडस्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी और बिल्कुल कम से कम टाइम में। हमने ली है 1 कप काली उड़द दाल और इसमें है 3 से 4 चम्मच राजमा। दाल को हमने 12 घंटे पहले भिगो के रखा है। इस दाल को हम कुकर में ट्रांसफर करेंगे और इसमें डबल पानी डालेंगे। इसमें डालेंगे हम नमक और हल्दी। जब 5 से 6 सीटी लग जाए तब कुकर बंद कर देंगे। इससे राजमा और दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी और उसमें 2 चम्मच तेल। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच शाही जीरा, 3 से 4 कटे हुए लहसुन, थोड़ी सी अदरक, जब लहसुन गोल्डन होने लगे तब इसमें डालेंगे हम कटे हुए प्याज और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच। तो फूडस्टर्स, अब हम अपनी दाल मखनी में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। इससे हमारे दाल मखनी में एक नटी सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। जब ये मसाला गोल्डन होने लगे तब इसमें डालेंगे हम 2 टमाटर की प्यूरी। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। याद रहे ज्यादा नमक ना हो क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी नमक पहले डाल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। तो फूडस्टर्स, अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया इस स्टेज पे। इससे पूरे दाल मखनी में अच्छी सी खुशबू आ जाती है। फूडस्टर्स, अब हमारा मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस टाइम हम अपनी बॉईल की हुई दाल डालेंगे। बड़े अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। फूडस्टर्स, दाल मखनी बिना मक्खन के बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बटर। इस स्टेज में बटर डालने से बिल्कुल बटरी टेस्ट आता है दाल मखनी का। अब हमारी दाल मखनी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह बन चुकी है। इससे बहुत अच्छी बटरी खुशबू भी आ रही है और ये बिल्कुल तैयार है। इसे आप सर्व करें गर्मा गर्म नान के साथ या पुलाव के साथ।